हो ना दूं मैं पाके तुमको आए यकीना। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको कुछ इसी तरह से व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूं। तो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और एंड में आप भी ये अच्छे समझ जाएंगे कि आपको इस तरह की वीडियो कैसे एडिट कर लेना है। तो चलिए गाइस, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह की वीडियो एडिट करने के लिए गाइस, आपको काइंड मास्टर की मोड ऐप की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपके पास वो नहीं है तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए। अब इसके बाद गाइस, आपको काइंड मास्टर को ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर एक प्लस का आइकन मिल जाता है, तो आपको इस प्लस वाले आइकन में क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक 16:9 रेशियो की एक ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद गाइस, आप काइंड मास्टर में इंटर हो जाते हैं। अब सबसे पहले तो आपको इसके मीडिया वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद आपको यहाँ से एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, और गाइस इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अगर आपको इसे डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आता है तो उसके लिए भी मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, और उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उस वीडियो को देखकर आप ये अच्छे समझ जाएंगे कि आपको इसे कैसे डाउनलोड कर लेना है। अब इसके बाद गाइस, आपको यहाँ से बैक आ जाना होगा। इसके बाद गाइस, आपको यहाँ पर एक लेयर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद ऊपर आपको एक मीडिया का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस मीडिया वाले ऑप्शन में भी क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ से एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ से अपनी कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए, और गाइस जिस इमेज का मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, तो आप चाहे तो आप इस इमेज का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद गाइस, आपको इस इमेज को यहाँ पर अच्छे से लगा लेना होगा, आपको इसे यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। तो चलिए मैं भी इसे जल्दी जल्दी से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, और इसके बाद गाइस, आपको इस इमेज में कुछ एडिटिंग करने की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए आपको साइड में कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आपको इन ऑप्शंस को नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। और इसके बाद गाइस, नीचे आपको एक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब गाइस, आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब इसके बाद ऊपर आपको एक कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब आपको अपने इमेज के हिसाब से इस कलर को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, और इसके बाद गाइस, आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब गाइस, आपको अपनी इस इमेज की लेंथ को बढ़ा लेना होगा, आप इसके लेंथ को इस वीडियो के लेंथ के बराबर में ही रखिए, और इसके बाद गाइस, आपको इस इमेज की शुरुआत में फिर से आ जाना है। अब गाइस, आपको अपने इस वीडियो में अपनी कोई एक म्यूज़िक लगा लेनी होगी, तो इसके लिए आपको साइड में एक ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस ऑडियो वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद गाइस, नीचे आपको एक फोल्डर का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस फोल्डर वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। अब गाइस, आप अपने जिस भी म्यूज़िक को यहाँ पर लगाना चाहते हैं आपको उस म्यूज़िक के ऊपर क्लिक कर लेना होगा। अब इसके बाद गाइस, आपकी वीडियो तैयार हो जाती है। अब चलिए मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारी वीडियो कैसे बनी है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस टाइप से बनी है।